नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ माई हार्ट लिप्स अप, आल्सो नोन एज द रेनबो पोएम के बारे में बताऊंगा, उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहते हैं, माई हार्ट लिप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, सो वाज इट व्हेन माई लाइफ बिगैन, सो इज इट नाउ आई एम अ मैन, सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाई। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड टू ईच बाई नेचुरल पार्टी। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ का कहना है, वो कहते हैं कि जब मैं आसमान में इंद्रधनुष को देखता हूँ तो मेरा दिल खुशी से उछलने कूदने लगता है। जब भी मैं देखता हूँ आसमान पर इंद्रधनुष को तो मेरा दिल खुशी से उछलने कूदने लगता है। जब मैं एक बच्चा था तब इंद्रधनुष को आसमान में देखकर बहुत खुश हुआ करता था। उसके बाद आगे कहते हैं, लेकिन मैं आज सो इज इट नाउ आई एम ए मैन। यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन आज मैं एक युवावस्था में आ चुका हूँ, फिर भी मेरा दिल इंद्रधनुष को देखकर उसी तरह खुश होता है जिस तरह से मैं बचपन में इंद्रधनुष को देखकर खुश होता था। आगे देखते हैं। उसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनको पूर्ण विश्वास है कि यह खुशी मुझे वृद्धावस्था में भी मिलेगी जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाई, उसके बाद ही मुझे खुशी देखने को मिलेगी। और कहते हैं कि और जिस दिन इंद्रधनुष को देखने के बाद मुझे खुशी नहीं मिली वह दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। इस यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मेरे मरने के बाद भी हो सकता है इंद्रधनुष को देखने के बाद खुशी ना मिले। फिर आगे कहता है कि एक बच्चा जो कार्यकलाप को अपने बचपन में करता है वह कार्य उसकी ज़िंदगी में बाद में अनुभव के रूप में काम आता है। वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से वह बचपन में प्रकृति की गोद में खेलते थे वो अपनी युवावस्था और वृद्धावस्था में भी प्रकृति के साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर पोएम ख़त्म होती है। कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।